हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर। और आज हम इस लेक्चर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का स्टडी करेंगे। और आज हम आपको बताने वाले हैं किस किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि फंक्शन का फॉर्म रहेगा इफ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y equals to f1x, f2 of x, f3 of x dot dot, fn of x, मतलब बहुत सारा फंक्शन यदि क्या रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। क्योंकि आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी आपको हम निकालने के लिए बताए हैं। बहुत सारे फंक्शन यदि प्रोडक्ट में आता है ना, उसका डीसी आपको निकालने के लिए हम नहीं बताए हैं ना। यदि अब बहुत सारे फंक्शन भी प्रोडक्ट में है ना, उसको भी डिफरेंशिएट करना रहे तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लॉग लेकर के, है ना। चलिए, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर में जैसे मान लीजिए ऊपर भी एन को फंक्शन प्रोडक्ट में है, नीचे भी एन फंक्शन प्रोडक्ट में है और इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को, तब भी हम लॉग लेकर के ही डिफरेंशिएट करेंगे। या मान लीजिए वेरिएबल का पावर, वेरिएबल एफ ऑफ एक्स के पावर में यदि जी ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहां हेडिंग लिख देते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसका रूल देखिए क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग, लेकिन बेस ई में होना चाहिए ना, मतलब e के बेस पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, है ना। हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, ये सब फॉर्मूला का आप क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा, है ना। इसमें log m by n का फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n, बेस ए ही रहेगा, n के पावर k होने पर log में n क्या होता है, k मल्टीप्लाई हो जाता है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में है ना, ये जो आपको तीन प्रॉपर्टियां हम लिखे हैं लॉग का, है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये सब फंक्शन यदि आपको दिखे और उसको डिफरेंशिएट करना रहे, है ना, तो हम लोग लॉग लेकर के ही डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं एक दो क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको आइडिया आएगा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू दिया हुआ रहेगा एक्स माइनस वन के पावर में 5 और एक्स प्लस वन के पावर में 7, 2x माइनस 1 के पावर में 6, 3x प्लस 4 के पावर में 9। फंक्शन दिया हुआ है ना y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का पावर 5 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर 7 इंटू 2x माइनस 1 के पावर में है 6 इंटू 3x प्लस 4 के पावर में 9,
और आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत सारा फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में आ गया ना, तो आपको क्या करना चाहिए, लॉग लेकर के इसे बनाना चाहिए ना, एक्स माइनस वन के पावर में फाइव, एक्स प्लस वन के पावर में सेवन, और यहाँ देखिए टू एक्स माइनस वन के पावर में है सिक्स, और थ्री एक्स प्लस फोर के पावर में है नाइन, ठीक है ना। दोनों तरफ e के बेस में लॉग लीजिए, e के बेस में इसलिए हम लॉग लेते हैं, कैलकुलस के अंदर में लॉग के बेस में हमेशा क्या होना चाहिए, e होना चाहिए ना। दोनों तरफ e के बेस में आप क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए। जब आप e के बेस में लॉग लेंगे तो इधर देखिए आपको आ जाएगा लॉग वाई बेस e, और इधर भी चलिए लिख ही देते हैं, देखिए यदि यहाँ पर लॉग के कंसेप्ट को समझने में यदि आपको दिक्कतें आ रही है तो आप मेरे वीडियोज वाले प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, उसमें लॉगरिदम पढ़ाया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप, ठीक है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के चलते ही लॉग को हम पढ़ाए हैं, ठीक है अभी। चलिए अब यहाँ पर पहले एन के पावर में के होने पर जो कंसेप्ट है ना उसको लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 5 इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर आर्गुमेंट के पावर में 7 है, गिर जाएगा नीचे, यहाँ पर भी आर्गुमेंट पावर में 6 है, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू, सभी लॉग के बेस में e है, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व है, हर एक फंक्शन को आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए अलग अलग कर करके, इसको मिटाते हैं यहां पर। चलिए पहले log y का डीसी क्या हो जाएगा, वन बाय वाई, फिर अब चलिए वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाई डेस, ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, अब इस लॉग को डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग एक्स का आता है वन बाय एक्स, एक्स की जगह पर है एक्स माइनस वन, सो वन बाय एक्स माइनस वन हो जाएगा। फिर चलिए लॉग का जो आर्गुमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स का हो जाएगा वन, कॉन्स्टेंट का हो जाएगा जीरो, तो वन हो गया, ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया। चलिए अब इस पर आते हैं, फिर लॉग का वन बाय है ना x प्लस वन, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आ जाएगा वन, फिर यहाँ चलिए सिक्स बाय है ना, सिक्स कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, फिर इसका डी सी आ जाएगा वन बाय टू एक्स माइनस वन, फिर चलिए इसके आर्ग्यूमेंट को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, लॉग के आर्ग्यूमेंट को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे टू एक्स का डी सी आ जाएगा टू, कॉन्स्टेंट का जीरो, फिर आगे चलते हैं नाइन इंटू, फिर इस लॉग का डी सी आ जाएगा वन बाय थ्री एक्स प्लस फोर, फिर इसके आर्गुमेंट को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर्गुमेंट का डीसी आ जाएगा 3x का 3, कांस्टेंट का 0, ठीक है ना। आपको तो निकालना है y डैश, देयरफॉर इस y को उठा करके आप इस साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये आपको दिखेगा 5 बाय एक्स माइनस वन प्लस 7 बाय एक्स प्लस वन है ना, प्लस 6 बाय नहीं नहीं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा 9 3 27 बाय आ जाएगा 3x प्लस 4, ठीक है। अब आपको करना क्या है, y का वैल्यू ये जो है ना ये इसके जगह पर रख लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, x माइनस वन के पावर में आ जाएगा 5, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस वन के पावर में 7 और 2x माइनस वन के पावर में है 6, थ्री एक्स प्लस फोर के पावर में है 9, और फिर इसको कॉपी कर लीजिए ऐसे ही, 5 बाय
एक्स माइनस वन सेवन बाय एक्स प्लस वन प्लस ट्वेल्व बाय और 27, ये हो गया इस फंक्शन का डीसी। वाई डी एस का मतलब आपको पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। कठिन तो नहीं लग रहा है ना? यदि आप लॉग के लेक्चर को देखें तो बिल्कुल भी ये टफ नहीं है। लॉग में आप बहुत है ना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दो तीन क्वेश्चन लगाते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर रोक देंगे। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन है, फाइंड डी बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स के पावर में x, है ना। अभी देखिए हम आपको बताएं वेरिएबल का पावर, वेरिएबल को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ना लॉग लेकर के। आपको दो मेथड हम पहले बता चुके हैं, याद है आपको, शॉर्टकट मेथड है ना, उसमें भी लॉग ही लिए थे सेकंड मेथड में, बट दोनों तरफ लॉग नहीं लिए थे, है ना, इसको लॉग के टर्म में लिख दिए थे। चलिए इसमें हम करते हैं, है ना। मेथड वन आपको हम करके दिखाए हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स के पावर में x रहने पर, जब हम y डैश आपको निकालने के लिए बताए थे, बोले थे इसको वेरिएबल, इसको कांस्टेंट मानिएगा एक बार, है ना, इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट मानेंगे तो x के पावर n की तरह चलेगा। चलिए इसका होता है n इंटू n की जगह पर है x, x इंटू साइन एक्स के पावर में x माइनस वन। ठीक है ना, ये लग गया। अब जो वेरिएबल है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। वेरिएबल तो है साइन एक्स, साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, फिर एक्स को भी कर लीजिए, मतलब अंत तक आपको डिफ्रेंशिएट करते रहना है ना। फिर प्लस कीजिए, इसको कांस्टेंट, इसको वेरिएबल मानेंगे, ए का पावर एक्स वाला डीसी चलेगा, ए का पावर एक्स का होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये हो जाएगा ए की जगह पर, ये हो जाएगा एक्स की जगह पर, तो ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए की जगह क्या है साइन एक्स ना, यहाँ ले लीजिए साइन एक्स, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब जो वेरिएबल है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, वेरिएबल तो एक्स है, बस ये ही आपका क्या हो गया डीसी। अब आप चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू साइन एक्स के पावर में एक्स बाय साइन एक्स, चूंकि यहाँ देखिए ए के पावर में एम माइनस एन होने पर ए का पावर एम बाय ए का पावर एन होता है ना, वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा लिए हैं। फिर यहाँ है साइन एक्स के पावर में एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, साइन एक्स के पावर में एक्स यहाँ भी है, साइन एक्स के पावर में एक्स यहाँ भी है, तो साइन एक्स के पावर में एक्स क्या हो जाएगा कॉमन, एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स। वाई डी एक्स का मतलब डी वाई डी एक्स ही ना होता है। मेथड टू में देखिए क्या है, हम आपको बोले थे यदि आपको इस नंबर को लॉग में लिखना है ना, तो लॉग ले लीजिए, अपने मन से बेस ले लीजिए, क्योंकि लॉग के बेस में हमेशा मेरे को ई रखना है, इसीलिए ई ले लेंगे और यहाँ कर लेंगे एन। और देखिए आपको हम लॉग पढ़ा चुके हैं ना, उसमें भी आप याद कीजिए क्या, जो लॉग के बेस में है उसी के पावर में लॉग होने पर उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू उस लॉग के आर्गुमेंट के बराबर होता है कि नहीं होता है, क्या ये आपको आइडिया आया? हाँ या ना, तो देख लीजिए एन को हम क्या किए, लॉग के टर्म में लिख लिए ना, उसी प्रकार से इसको लिख लेंगे ई के पावर में लॉग है ना बेस ई और साइन एक्स के पावर में आ जाएगा एक्स, ये एक्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा एक्स इंटू लॉग है ना साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, देखिए e का पावर x का dc वही होता है, ये बात आपको पता है ना, e का पावर x का dc एज इट इज रहता है ना, तो इसका dc यही रहेगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं x इंटू है ना log sin x, अब ये पूरे पार्टी डिफ्रेंशिएट हो गया है ना। अब करना है मेरे को e के पावर में जो है उसको डिफ्रेंशिएट,
तो यहाँ देखिए यू इंटू वी पर चलेगा, इसको छोड़ेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो लॉग एक्स का आता है वन बाय एक्स, एक्स की जगह पर है साइन एक्स। चलिए लॉग डिफ्रेंशिएट हो गया, अब केवल आपको साइन को डिफ्रेंशिएट करना है, साइन का डीसी आ जाता है कॉस एक्स, फिर एक्स को करेंगे तो वन ही आएगा, चलिए लेकिन कर देते हैं हाँ है ना। उसके बाद फिर इसको छोड़िए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, और इसका डीसी आ जाएगा वन। क्या आप इस चीज को है ना ये बोल सकते हैं ना, देख लीजिए ना, यही तो है। इसके जगह पर आप क्या कीजिए, इसको रख लीजिए, इसका जरूरत नहीं है। साइन एक्स के पावर में आ जाएगा एक्स, और यहां देखिए एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स, और यहां चलिए लॉग साइन एक्स आपको दिख रहा है ना। क्या अभी जो यहां पर हम किए हैं वही आया या नहीं आया, यही आया ना। चलिए अब हम दोनों तरफ लॉग लेकर के आपको कर करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। मेथड थ्री हो जाएगा दोनों तरफ लॉग लेना है आपको ई के बेस में, है ना, क्योंकि कैलकुलस आप पढ़ रहे हैं अभी। अब आपको करना क्या है, ये पावर आर्गुमेंट के पावर में एक्स है ना, ये गिर जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहां पर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले मेरे को इधर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको करेंगे तो इधर किसको पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लॉग को ना। तो लॉग का होता है लॉग एक्स का वन बाय एक्स, लॉग वाई का वन बाय वाई, लॉग जेड का वन बाय जेड हो जाएगा, जो आर्गुमेंट में है उतना बाय वन बाय उतना हो जाएगा ना। तो लॉग के आर्गुमेंट वाई है तो वन बाय वाई। अब फिर मेरे को वाई को करना पड़ेगा, तो वाई का डीसी आता है वाई डेस, इधर वाला पार्टी डिफ्रेंशिएट हो गया, इधर करेंगे एक्स को छोड़ेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आ जाएगा वन बाय साइन एक्स, फिर साइन एक्स को करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स, फिर प्लस, फिर इसको छोड़िए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपको निकाल लेना है वाई डेस, तो इस वाई को मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ, तो ये देखिए एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स कॉट एक्स, और ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब वाई का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं साइन एक्स के पावर में एक्स, और ये आ जाएगा एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, है ना। काफ़ी ईजी है, ये तीनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। है ना, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, है ना, देख लीजिए ना। बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन यहां दिख रहा है, लॉग ले लेंगे और क्या, लॉग ले लेंगे यहां पर। इस चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री के पावर में वन बाय फाइव। अरे रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स के पावर वन बाय टू, क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स के पावर में वन बाय थ्री, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फिफ्थ रूट ऑफ ये है तो इसके पावर में आ जाएगा वन बाय फाइव। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए,
लॉग लेने वाला आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया, यहाँ देखिए बहुत सारा फंक्शन ऊपर में, तीन को फंक्शन प्रोडक्ट में, नीचे भी तीन को फंक्शन प्रोडक्ट में, और थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है ना, डिफ्रेंशिएट करना नहीं लग रहा, थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए दोनों तरफ लॉग ले लिए। अब आ जाएगा यहाँ पर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री के पावर में 1/5, और ये 1/5 क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा, log m बाय n का क्या होता है फॉर्मूला, log m माइनस n, ठीक है, log m1 प्लस log m1 इंटू m2 इंटू m3 का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, log m1 प्लस log m2 प्लस log m3, तो ये सब का यहाँ पर हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं log m1 प्लस log m2 प्लस log m3, मतलब m1 की जगह पर आपको x-1 बोलना है, m2 की जगह पर x-2, m3 की जगह पर x-3, ये आ जाएगा log x-1 प्लस, नहीं कुछ रहने पर बेस में रहेगा e, x-2 प्लस log x-3, फिर ये सब सम में आएगा, फिर माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सबके सब माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए हम सबको माइनस में लिख देते हैं। बेस यदि मेरे से छूट जाए है ना, तो आप समझ जाइएगा बेस में ई लिखा हुआ है। चलिए अब आपको करना क्या है, सबके सब फंक्शन अलग अलग हो गया, अब आपको डिफरेंशिएट कर देना है, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा वन बाय वाई इंटू वाई डेस, ओके, और जब आप इसको करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय एक्स माइनस वन प्लस 1 बाय एक्स माइनस टू प्लस 1 बाय एक्स माइनस थ्री, फिर माइनस 1 बाय एक्स माइनस वन, नहीं नहीं एक्स प्लस वन, 1 बाय एक्स प्लस टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस थ्री। अब चलिए यहाँ से y डैश आप निकाल लीजिए, y डैश निकालने के लिए y से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 बाय एक्स माइनस वन प्लस 1 बाय एक्स माइनस टू प्लस 1 बाय एक्स माइनस थ्री माइनस 1 बाय एक्स प्लस वन माइनस 1 बाय एक्स प्लस टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस थ्री। अब आपको करना है यहाँ पर ये काम, y का जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ना, इसको यहाँ पर डाल दीजिए, फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बाय x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। क्या अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, इसको कॉपी कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, कीजिएगा है ना, ये आप खुद से कीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, इसमें लॉग इसमें लॉग इसमें लॉग इंडिविजुअली लगेगा, सबके सब प्लस में आ जाएगा, फिर आपको डिफरेंशिएट करना है बस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है प्रूफ दैट है ना, यू इंटू वी का जो डेरिवेटिव है ना, यू इंटू वी डैस माइनस वी इंटू यू डैस
यू बाय वी का डेरिवेटिव होता है, वी को छोड़ना है, यू को डिफरेंशिएट करना है माइनस यू को छोड़ना है, वी को डिफरेंशिएट करना है बाय वी स्क्वायर। चलिए इसको प्रूव्ड करते हैं, ठीक है ना, इसको प्रूव्ड कर लेते हैं। आप क्या कीजिए, इसको y मान लीजिए जिसको डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करना है, दोनों तरफ आपको यहां जैसे ही नंबर प्रोडक्ट में दिख रहा है इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि नहीं मेरे को लॉग ले लेना चाहिए, दो या दो से अधिक भी रहेगा तब भी आप लॉग ले सकते हैं, दो से अधिक पर तो लेंगे ही, दो पर भी ले लेंगे, है ना। तो आ जाएगा लॉग u प्लस लॉग, है ना, बी। अब इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट, तो आ जाएगा वन बाय वाई और वाई डैस, है ना। अरे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो वन बाय वाई आएगा, वाई डैस। इसके बाद फिर चलिए अब आपको करना है किसको, यू लॉग को, तो वन बाय यू, और फिर यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू डैस, फिर लॉग वी को, तो वन बाय वी, फिर वी को करेंगे तो वी डैस आ जाएगा, है ना, आएगा ना। अब चलिए वाई डैस आपको निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर आ जाएगा वाई इन टू, इसको जब आप जोड़ घटाओ करेंगे तो वी इंटू यू डैस प्लस यू इंटू वी डैस बाय यू इंटू वी आपको दिख जाएगा। और आपको वाई का वैल्यू यहां पर रख देना है, वाई देखिए आप क्या माने हैं, यू इंटू भी ना, इसके जगह पर रख लीजिए यू इंटू भी, और यहां पर है वी इंटू यू डैस प्लस u इंटू वी डैस बाय यू इंटू बी, ये और ये कैंसिल हो गया और y डैस इक्वल टू हो गया v इंटू यू डैस प्लस यू इंटू वी डैस। हाँ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब दो नंबर को सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं, एक तो हो गया ना, दो नंबर को अब करते हैं। आप क्या कीजिए, y मान लीजिए u बाई वी को, और आपको यहां पर log ले लेना है e के बेस में, ठीक है ना, e के बेस में आपको log ले लेना है, log u बाई वी क्या हो जाएगा, log u माइनस log v। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, आ जाएगा वन बाय वाई इंटू वाई डैस, ये आ जाएगा वन बाय यू इंटू यू डैस माइनस वन बाय वी इंटू वी डैस, ठीक है ना। आपको निकालना तो है वाई डैस, y डैस इक्वल्स टू आ जाएगा, ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इंटू, और जब आप दोनों को जोड़ घटाओ करेंगे, मतलब घटाओ जब करेंगे ना ये दोनों का, तो आ जाएगा v इंटू यू डैस माइनस यू इंटू वी डैस बाय यू इंटू वी, वाई का वैल्यू रख दीजिए u बाय वी, देखिए u और u कैंसिल हो गया ना, ये v और ये v जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा ना, आपको मिल गया ना वाई डैस इक्वल्स टू भी इंटू यू डैस माइनस यू इंटू वी डैस बाय भी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू एक्स के पावर में एक्स है, फिर इसके पावर में एक्स है, दो में है साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स, फिर है साइन एक्स, फिर इसके पावर में है कॉस एक्स, इस तरीका से अप टू इनफाइनाइट टाइम्स चलते रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद है x के पावर में x प्लस x के पावर में फिर x के पावर में x है,
ये हम आपको पहले भी बता दिए हैं, याद कीजिएगा पीछे वाले लेक्चर को, हम आपको ये बताए हुए हैं, है ना। से स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ गिवन है x के पावर में x, फिर इसके पावर में x है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको वेरिएबल का पावर, वेरिएबल जब तक दिखते रहे क्वेश्चन में, है ना, और उसको डिफरेंशिएट कराने, तब तक आप लॉग लेते रहिए, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिख रहा है ना, लॉग ले लेंगे। चूंकि अब ये बेस ही है, आर्गुमेंट एक्स हो जाएगा और इसके पावर में आ जाएगा एक्स का पावर एक्स, और ये नीचे गिरेगा एक्स के पावर में एक्स इंटू लॉग एक्स। अब क्या कीजिए, देखिए फिर भी यहां पर वेरिएबल का पावर वेरिएबल यहां अभी तक जिंदा ही है ना, खत्म नहीं हुआ है, फिर लॉग ले लेंगे। अब देखिए क्या क्या आपको दिखेगा, x के पावर में x इन टू, ठीक है। अब यहां देखिए log m इंटू log n का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, log x के पावर में x प्लस log, है ना। ठीक है, अब यहां देखिए फिर आर्गुमेंट पावर में x से ये नीचे गिरेगा, तो ये आपको चमक जाएगा, ये x इंटू लॉग x प्लस लॉग लॉग x। अब चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देख लीजिए इस लॉग का डीसी आ जाएगा 1 बाय लॉग y, फिर इस लॉग का डीसी आ जाएगा y, फिर इस y का आ जाएगा y डैश, ठीक है ना। फिर यहाँ चलिए u इंटू भी लगेगा, इसको छोड़िए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 1 बाय x, फिर इसको छोड़ना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, x का डीसी आ जाएगा 1। क्या आपको समझ में आया यहाँ क्या किए, इसको छोड़े, इसको डिफ्रेंशिएट किए, x को छोड़े, log x को डिफ्रेंशिएट किया, log x का डीसी आता है 1 बाय x, बीस में ही है, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ इस लॉग को डिफ्रेंशिएट कीजिए, इस लॉग का डीसी आ जाएगा 1 बाय इस लॉग का आर्गुमेंट, और फिर इस लॉग का डीसी आ जाएगा 1 बाय एक्स, और फिर आ जाएगा 1। अब चलिए इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा, चूंकि आपको निकालना है वाई डैश, वाई डैश हो जाएगा वाई इंटू लॉग वाई, और ये कट गया ना, आ जाएगा 1 प्लस लॉग x प्लस 1 बाय x इंटू लॉग x। अब y का वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, y का वैल्यू है x के पावर में x, फिर इसके पावर में x है, और log y का वैल्यू देखिए क्या है, ये है ना लॉग वाई का, एक्स के पावर में एक्स इंटू लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू, ठीक है। अब इस लॉग से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, इस लॉग से। जब आप इस लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, एक्स के पावर में एक्स, फिर x के पावर में x, और इस log से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे करेंगे log log कट जाएगा, तो 1 बाय x को हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं प्लस प्लस log x प्लस log x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया इसका dc, किसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए हम क्या किए, जब तक पावर को पूरी पूरी हटा नहीं दिए, है ना, तब तक इसमें हम लॉग लगाते रह गए। काफ़ी इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है, है ना, यदि आपको लॉग का कंसेप्ट सही है, और लॉग हम आपको पढ़ाए हैं इसीलिए ताकि आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है ना, इसका मेरे को ज़रूरत पड़ेगा,
एक्स के पावर में एक्स है, इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं। चलिए पहले तीन नंबर का ही कर लेते हैं। देखिए y इक्वल्स टू दिया हुआ है x के पावर में x, फिर x के पावर में है x, इसके पावर में x है, फिर x के पावर में x है, फिर इसके पावर में x है, ठीक है। आप इसको u मान लीजिए, इसको v मानिए, इसको क्या कीजिए w मान लीजिए। इसका dc तो निकालना काफ़ी इजी है ना। तो y इक्वल्स टू दिखेगा आपको u प्लस बी प्लस W, और y डैस आपको निकालना है तो u डैस v डैस प्लस w डैस। अरे इसका मतलब w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, यही हुआ ना। और आपको निकालना है क्या u डैस, u डैस कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए u के पावर में u इक्वल्स टू है x के पावर में x, दोनों तरफ क्या कीजिए लॉग ले लीजिए, चूंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल आपको दिख रहा है ना, और ये x नीचे गिरेगा, लॉग के बेस में नहीं कुछ है तो क्या है e है ना। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई u, फिर आ जाएगा u डैस, इसको छोड़ेंगे, इसको करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको करेंगे, x x कैंसिल हो गया, u डैस इक्वल्स टू u इन टू वन प्लस लॉग x आ जाएगा, और u माने हैं आप x के पावर x को, ठीक है। अब देखिए एक ये जो है ना x के पावर x का डेरिवेटिव हम बहुत बार हम आपको बोले हैं, इसको आप याद कर लीजिए। यदि ये याद होगा ना, रहेगा ना, तो काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बनाना आपके लिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए भी है, और इसको अभी जस्ट डिफ्रेंशिएट किए, पहला क्वेश्चन यही है ना, लेकिन फिर भी है ना, फिर भी यदि आपको डिफ्रेंशिएट करना है जल्दीबाजी में, तो इसको आप मान लीजिए ये तो पहले से देखिए यू माना हुआ है, यू तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या वी इक्वल्स टू एक्स के पावर में यू, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, लॉग वी इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स के पावर में यू, और ये यू जो है ना लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाय वी और वी डैस, अब यू को छोड़ना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा यू बाय एक्स, और फिर इसको छोड़िए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ आ जाएगा यू डैस, और आपको निकालना है वी डैस, तो इस वी को मल्टीप्लाई कर लीजिए क्यू बाय एक्स प्लस, अब आपको देखिए यू डैस पहले से निकला हुआ है ना, तो यू डैस का वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो भी आपको है x के पावर में x, फिर इसके पावर में x, और फिर यहाँ पर भी u का वैल्यू आप रख लीजिए, x के पावर में है x, नीचे है बाय x, और इसका वैल्यू देखिए क्या निकला है, इसका निकला है x के पावर में x के पावर में x, ठीक है ना, और 1 प्लस log x। अब यहां पर भी x का पावर x है, यहां पर भी x का पावर x है, तो x का पावर x को आप क्या कीजिए कॉमन, x के पावर में x, इसके पावर में x, फिर यहां से x का पावर x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा देखिए क्या आपको 1 बाय x, यहां से ये निकल गया था, इस log से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा देखिए क्या log x प्लस log x का
होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जो हम आपको निकाल करके दिए हैं वही आया है कि नहीं आया है, वही आया है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं यदि आपको ये याद है, दो बार मेरे को लॉग लेना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर इसमें जो वैल्यू निकालते हैं इसका फिर मेरे को दोबारा लॉग लेना पड़ता है, ठीक है ना। ये निकल गया, ये भी निकला हुआ है, अब मेरे को निकालना है ये कैसे निकालें, ये सबका आंसर तो चलिए याद है ही, यहां करते हैं। ये W इक्वल्स टू देखिए क्या आप लिख सकते हैं क्या x के पावर में भी, अरे देखिए ना W इक्वल्स टू x के पावर v लिख सकते हैं ना, ये सब क्या है b ही तो है। अब दोनों तरफ आप ले लीजिए log e के बेस में और ये फिर v क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई डब्लू डब्लू डैश इक्वल्स टू वी को छोड़ना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस, फिर चलिए लॉग एक्स को छोड़ेंगे और वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डब्लू डैश क्या आ जाएगा, डब्लू डैश आ जाएगा क्या, डब्लू इन टू वी बाय एक्स प्लस ठीक है। अब क्या कीजिए, आप v का वैल्यू रख लीजिए, w डैश इक्वल्स टू हो जाएगा, w का वैल्यू रखेंगे x के पावर में x है, फिर इसके पावर में x, फिर इसके पावर में x, और यहाँ पर रखेंगे x के पावर में x, फिर इसके पावर में x बाय x प्लस, ये log x तो यहाँ रहेगा ही। अब चलिए v डैश यही है ना, यहाँ पर v डैश है x के पावर में x है, फिर x, फिर यहाँ पर x के पावर में x, और फिर है 1 बाय x प्लस log x प्लस log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देखिए क्या आपको ये क्या यहाँ पर आपको ये को मना रहा है x का पावर x, फिर x का पावर x है ना, तो इसको क्या करेंगे अब हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लेंगे है ना, और उसके बाद देखिए बचेगा क्या आपको, 1 बाय एक्स प्लस है ना, और इस लॉग से आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कर लीजिए, और यहाँ आ जाएगा x के पावर में x, इस लॉग से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log x बाय x ठीक है, फिर ये log x का हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर log x का क्यूब ठीक है ना। अब चलिए आपको निकालना है ये इक्वेशन 1 में क्या कीजिए, वैल्यू आप डाल लीजिए पूरे का, नाउ फ्रॉम 1 वाई डैश इक्वल्स टू यू डैश, देखिए क्या निकला है आपको, x के पावर में x 1 प्लस ln बोल सकते हैं आप ln x, फिर देखिए v डैश क्या निकला है, यही ना x के पावर में x, फिर यहाँ होगा x के पावर में x 1 बाय x प्लस log x प्लस log x का अब चलिए w डैश देखिए यही निकाले ना, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है x के पावर में x, फिर x, फिर x, फिर यहाँ पर x के पावर में x, फिर x, और 1 बाय x प्लस x के पावर में x,
लॉग एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है ना, ये हो गया आपको dy बाई डी एक्स किस फंक्शन का, y इक्वल्स टू एक्स का पावर x प्लस एक्स के पावर में x के पावर में x है ना, फिर ये सब का। यदि आपको अच्छे से log समझ में आ गया है ना, तो ये सब में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन है टू का, वाई इक्वल्स टू देखिए क्या है, साइन एक्स के पावर में है कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स के पावर में है साइन एक्स, फिर साइन एक्स के पावर में है कॉस एक्स। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है अप टू इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है ना, मतलब रिपीट क्या हो रहा है यहाँ देखिए, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, यही ना रिपीटेड पार्ट है। रिपीटेड पार्ट देखिए किसके बराबर, वाई के बराबर, और इनफाइनाइट मनी टर्म में से एक टर्म को यदि हम हटा भी दें तो भी इनफाइनाइट टर्म दिखेगा आपको, अर्थात आपको y के बराबर ही दिखेगा, डेट इज आप इसको बोल सकते हैं y। ठीक है, देखिए y इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन x के पावर में cos x के पावर में हो गया y। अब आपको log लेना है दोनों तरफ, अभी लॉग का आर्गुमेंट है इसके पावर में देखिए ये है, तो ये नीचे गिर जाएगा ना, जब तक ये पूरा पावर खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, लॉग लेते रहेंगे, फिर से एक बार लॉग लेंगे, लॉग है ना, log y बेस में e रहेगा, फिर यहां पर भी log लेंगे, इतना प्लस आ जाएगा log, ठीक है ना। ये पावर देखिए कॉस के ऊपर है तो ये नीचे गिर जाएगा वाई इन टू, अब आपको करना है डिफ्रेंशिएट इस फंक्शन को, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए इधर का करते हैं, फिर इस लॉग का आ जाएगा वन बाय लॉग वाई, फिर इस लॉग का क्या आ जाएगा वन बाय वाई, और फिर वाई का आ जाएगा वाई डेस इक्वल्स टू, यहां देखिए यू इंटू भी चलेगा है ना, यू इंटू भी चलेगा, वाई को छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, वाई को छोड़िएगा इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो लॉग एक्स का आता है वन बाय एक्स, तो आ जाएगा वन बाय कॉस एक्स, फिर कॉस का आता है माइनस साइन, फिर आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब की बार इसको छोड़ेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा लॉग है ना कॉस एक्स इंटू वाई डेस, ठीक है। अब कीजिए इसको, इसको करेंगे तो इस लॉग का आ जाएगा वन बाय लॉग साइन एक्स, फिर इस लॉग का करेंगे तो वन बाय आ जाएगा साइन एक्स, फिर इसका करेंगे साइन एक्स का तो आ जाएगा कॉस एक्स। अब आपको निकालना है वाई डेस, ध्यान दीजिए, और एक काम आप यहां पर कर सकते हैं, चलिए इधर हम इसको अब मिटाते हैं, देखिए y डैश यहां पर भी
है ना, तो इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं ताकि वाई डैश मेरा क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, है ना। यहाँ है वन बाय लॉग वाई और यहाँ आप कर लीजिए वाई, अरे ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आ जाएगा वन बाय वाई इंटू लॉग वाई ऊपर में वाई डैश फिर माइनस, इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, लॉग कॉस एक्स और यहाँ आ जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू। अब देखिए बचा क्या आपको, ये माइनस वाई इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स, आप इसको ऐसे फील कर सकते हैं माइनस वाई इंटू कॉट एक्स ना साइन टेन एक्स। उसके बाद फिर चलिए यहाँ पर चलते हैं, वन बाय लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है क्या कॉट एक्स प्लस वन बाय लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब यहां से वाई डैश कॉमन करेंगे तो आ जाएगा वन बाय वाई इंटू लॉग वाई माइनस अब इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, वन माइनस वाई इंटू लॉग वाई इंटू लॉग कॉस एक्स बाय वाई इंटू लॉग नहीं वाई इंटू लॉग वाई और इधर तो आपको चलिए अब इधर देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आ जाएगा डिवीजन में, बहुत बच्चा लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि इतना कौन करता है ना, ऐसा तो पक्का चल रहा होगा आप लोगों के दिमाग में। हम कर रहे हैं ना, चलिए ये हो जाएगा माइनस वाई टेन एक्स प्लस कॉट एक्स बाय लॉग साइन एक्स बाय वन माइनस वाई इन टू लॉग वाई अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जोड़ घटाव कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई इंटू टेन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। और इसमें देखिए ऊपर वाला जो लॉग दिख रहा है, नीचे जो लॉग दिख रहा नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इंटू लॉग वाई बाय और इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू वन माइनस वाई इंटू लॉग वाई इंटू लॉग
ये हो गया उस फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं ना, उसको बनाइएगा। एक्स के पावर में रूट एक्स है, फिर इसके पावर में, फिर रूट एक्स पावर में फिर एक्स है, फिर एक्स के पावर में रूट एक्स है, इस तरीका से इनफाइनाइट तक है। तो आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगला लेक्चर आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना, वन बाय वन कर करके आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।